हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू द इम्पॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो पैनिक्ड हो चुके हैं, मतलब परेशान हो चुके हैं कि मुबशर भाई अब हम क्या करें यार, यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट डेड हो गई है। क्योंकि अगर हम देखें इस वक्त करंटली तो ऑल्ट्स में हमारे पास कोई मोमेंटम हमें नज़र नहीं आ रहा। लाइक हम कल रात से लेके कल अगर रात की हम बात करें तब से अब तक या पिछले एक वीक से हम बात करें तो एक एक ऑल्ट करंटली अभी 30 से 35% जो है वो डंप हो चुका है। हम जिस कॉइन के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं वो कॉइन नीचे जा रहा है, मतलब मार्केट के अंदर मजा नहीं है, ना कोई मोमेंटम है। इसका क्या सिनेरियो, क्या यहाँ पे मार्केट डेड हो चुकी है, क्या बीटीसी वापस से 30K पर आएगा? क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि बिटकॉइन अब 30K तक जो है वो यहाँ पे क्रैश कर सकता है या बहुत हो गया। बहुत सारे आपके पास इन्फ्लुएंसर्स जो है वो कह रहे हैं कि बीटीसी 17K 18K पे चले जाएगा। तो आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो देखने के बाद अब थोड़ा सा यहाँ पे चिल हो जाओगे, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ कि आपको समझ आ जाएगा कि यार अच्छा तो मार्केट के अंदर ये चल रहा है भाई। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो के बाद हमारे 31K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, 150 सब्सक्राइबर्स रिमेनिंग। एंड इस चैनल को स्टिल 25% लोग जो वो बिना सब्सक्राइब किए मेरे डेली बेसिस के ऊपर वीडियोस देख रहे हैं, तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर देना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे बात करें, देखो बीटीसी आपके पास करंटली बहुत ज्यादा पंप हुआ। ठीक है, रिसेंट डेज के अंदर आपके पास अगर हम यहाँ पे 1 वीक का चार्ट ओपन करके मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे बीटीसी हमारे पास बहुत पंप हुआ। ठीक है, हमें शिकायत बीटीसी से नहीं रहनी चाहिए कि वो पंप नहीं हो रहा। बीटीसी ऑलमोस्ट हमारे पास 97% पंप हुआ। क्यों? इसके पीछे कैटलिस्ट था। कैटलिस्ट हम कहते हैं किसको, इसके पीछे एक वजूहात थी। वजूहात क्या? बिटकॉइन का ETF अप्रूव हो रहा था। अब सर आप मेरी एक बात गौर से सुने, जब देखें आपको मैं एक लास्ट टाइम भी मैंने एक एग्जांपल दी तो अभी मैं आपको दूंगा, और इस एग्जांपल के जरिए आपका सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। देखो जब आपके पास कोविड आया था, कोरोना वायरस, ठीक है, उस वक्त क्या हुआ था, आपके पास सारे स्टॉक मार्केट सब कुछ क्रैश हो गया था, सब कुछ गिर गया था, हर चीज बंद हो गई थी, कोई चीज नहीं चल रही थी, सिर्फ एक चीज का स्टॉक ऊपर जा रहा था और वो चीज डोमिनेट कर रही थी। और जो कंपनीज मास्क बना रही थी, हैंड सैनिटाइजर्स बना रही थी, एक कंपनी तो ऐसी थी जिसका दिवालिया निकलने वाला था, लेकिन जब कोविड आया तो वो कंपनी टॉप डोमिनेटेड कंपनी हो गई इन ऑल ओवर द स्टॉक्स, और उसका जो शेयर था वो 12,000% पंप हुआ। ठीक है, और उसका जो सीईओ था उसने यही स्टेटमेंट दी कि मुझे इस चीज की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, और उसने अपना वो ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट हो चुका था, बट वो वापस से अपनी ऑलमोस्ट 3x-4x वेल्थ में जो था वो बंदा आ चुका था, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि कोविड आया तो उसका स्टॉक जो था वो डोमिनेट कर रहा था, और डोमिनेशन सिर्फ और सिर्फ उसके स्टॉक की थी, उसकी चीजों की थी, जब जैसे कि हैंड सैनिटाइजर कंपनीज हो गई, मास्क बनाने वाली कंपनीज हो गई, या साफ सुथराई डिटर्जेंट्स वाली कंपनीज हो गई, क्योंकि लोग घरों को साफ रख रहे, तो ये वाली कंपनीज जो थी वो डोमिनेट कर रही थी। तो जब एक चीज की डोमिनेशन बढ़ती है, जब लोगों का पैसा स्टॉक मार्केट में उसी में आ रहा है, तो दूसरी चीजें पंप नहीं हो रही थी, वो सब गिर रही थी। सेम गोस फॉर द बिटकॉइन। अभी जो करंटली डोमिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन की है, तभी दूसरे ऑल्ट कॉइन्स इथेरियम वगैरह पंप नहीं हो रहे। किस सेंस में डोमिनेशन बिटकॉइन की है? डोमिनेशन इस सेंस में बिटकॉइन की, आपके पास जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, आपको पता है ब्लैक रॉक एक ऐसी फर्म है, अगर वो तकरीबन है ना वो पूरी दुनिया पर रूल करती है। ठीक है, अगर मैं आपको क्लियर अल्फाज में बताऊं, अगर आप डार्क वेब पे जाएंगे, इन चीजों के बारे में समझा करेंगे, तो आपको इसके बारे में क्लियर हो जाएगा कि ब्लैक रॉक एक्चुअल में क्या चीज है। इतनी बड़ी खतरनाक चीज है ना ब्लैक रॉक, एक समझ लें आप, जो आपके पास अमीर तरीन लोग जैसे एलॉन मस्क की टोटल वेल्थ आपके पास 300 बिलियन अगर शोर्ड है, तो खाली जो ब्लैक रॉक का जो ओनर है वो इतना पैसा देता है अपना नाम सिर्फ टॉप रिचेस्ट लिस्ट में छुपाने के लिए। ठीक है, उसके पास इतना पैसा है, उसके पास एप्पल का 35% होल्डेड है, कैडबरी का, बड़ी बड़ी कंपनीज का, मतलब वो ऐसा बंदा है अगर वो किसी कंपनी का स्टॉक बेच दे तो वो कंपनी का दिवालिया निकल जाए, वो हर चीज को कंट्रोल करता है। तो उस जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने बिटकॉइन के ETFs बनाए, वो सब इनडायरेक्टली बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब बड़ी बड़ी कंपनीज बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर रही है, वो छोटे कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रही? क्योंकि छोटे कॉइन्स का यहाँ पे कोई यूज केस नहीं होता, उनकी नजर में ही शिट कॉइन्स होते हैं। रीजन ये है कि आपके पास लूना का स्कैम आया था, जब $100 इसकी वैल्यू $1 पर आ गई थी, सोलाना $350 से क्रैश होकर आपके पास $6-7 के ऊपर आ गया था, तो उनका उन ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर बिलीव नहीं है। तो जब पैसा उनका आई बिटकॉइन की तरफ रहा है, तो उनको देखकर जो रिटेलर्स हैं वो भी सारे के सारे बिटकॉइन की तरफ आ रहे हैं। तो जब एक्चुअल पैसा ही सारा डोमिनेशन ही बिटकॉइन की, ETF ही बिटकॉइन के अप्रूव हो रहे हैं, जब जैसा कि मैंने आपको बताया मास्क बेचने वाली कंपनी खाली चल रही है, इस तरीके से अगर बिटकॉइन ही खाली चल रहा है तो पैसा दूसरी चीजों में नहीं आएगा। तो ये आपके पास मेन रीजन है। आई होप जो चीज आपको कोई नहीं बता रहा होगा मेरी छोटी सी एग्जांपल के आपको समझ में आ गई होगी। समझ आ गई ना, तो लाइक कर दो, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर देना। अब हम चलते हैं मेन गेम, यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअल में, यहाँ पे अब क्या करना चाहिए। देखो अब लोग कह रहे हैं कि कोई हमारे पास वजूहत नहीं, ETF भी अप्रूव हो गया, सब हो गया, नो वॉट, अब क्या करें भाई, अब तो कुछ बताओ, अब क्या सीन है यहाँ पे। देखो अब जो सीन हो रहा है ना वो बिटकॉइन का बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है, और खाली बिटकॉइन का नहीं पूरी क्रिप्टो मार्केट का बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है आने वाले 3 महीनों से भी पहले। और इससे पहले आप लोग अगर अपने बैग भर सकते हो, खरीद सकते हो, तो खरीद लो भैया, क्योंकि ये आपके पास एक लास्ट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। रीजन यहाँ पे, आपके पास बिटकॉइन की हाविंग में सिर्फ और सिर्फ 84 डेज रहते हैं, और ये इतना बड़ा इवेंट है जो कि हर 4 साल में एक बात होता है।
बच्चों भाई व्हाट इज द हाविंग, हाविंग क्या होती है, आज तुम्हें हाविंग समझाते हैं। सबसे पहले आप चलो हमारे चार्ट के ऊपर और यहाँ पे मैं एक आपके पास इवेंट ड्रॉ करता हूँ कि हाविंग क्या होती है, ठीक है। बिटकॉइन हाविंग इवेंट्स पे ऑटोमेटिकली एक लाइन ड्रॉन कर देते हैं, ओके। ये आप लाइनें देख रहे हो, ये है हाविंग की। इसमें बता रहे हैं कि फर्स्ट हाविंग 2012 में हुई, सेकंड हाविंग 2016 में हुई और थर्ड हाविंग जो है वो 2020 के अंदर हुई। ये क्या है, ये जो लाइंस आपके पास बनी हुई, और एक चीज नोट कर रहे हो, जब जब ये लाइंस बनी है इसके बाद बिटकॉइन साला स्काई रॉकेट हो जाता है, मतलब $12 से $1300 $2016 में हुई, $500 से $20,000 $2020 में हुई, $8,000 से $70,000। वॉट इज दिस, ये क्या यार, ये तो पहली चीज हम सुन रहे हैं भाई, ये बड़ी काम की चीज है। अब जो आपके पास हाविंग देखो हर चार चार साल की गैप में आ रही है, 2012 16 20 और अब जो हाविंग है वो आपके पास 24, और हमारे पास 24 की आपके पास अगर हम बात करें तो ये आपके पास है अप्रैल के अंदर, और आपके पास हाविंग में टाइम दिख रहे हो खाली कितना रह गया। और हर हाविंग से पहले मैं आपको बताऊं इस तरीके के क्रैशेस डंप्स आते रहते हैं आवाम के अंदर पैनिक क्रिएट करने के लिए, या तो मार्केट आपके पास जो है वो स्टेबल रहती है आवाम को पैनिक करने के लिए, ताकि यहाँ पे जो आपके जैसे छोटे छोटे दिल वाले लोग हैं जो कि मार्केट से डरते हैं वो यहाँ से बाहर हो जाए, और यहाँ पे जो एक्चुअल में लोग पैसा बनाने वाले होते हैं वो अपने दिल को सख्त करके यहाँ पे खरीदारी कर रहे होते हैं। और हाविंग होता क्या, अब मैं आपको बताता हूँ हाविंग क्या होता है। अब सुनना, अब ये जो हाविंग होगी ये लास्ट टाइम की हाविंग्स की तरह नहीं होने वाली, ये वाली हाविंग भी थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। अब हाविंग यहाँ पे क्या है, सुनो, अब ये फंडा बहुत ज़्यादा प्यारा है। देखो हाविंग में ये होता है ना कि जैसे एक चीज़ मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। जैसे हमारे पड़ोसी है, बहुत प्यारा पड़ोसी हमारा इंडिया, ठीक है, लव यू ऑल, जितने लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं लव यू ऑल गाइस, आप सब मेरे भाइयों की तरह पाकिस्तानी वगैरह, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल है, हमारी इंडिया से हालात थोड़े से ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, पाकिस्तान के और इंडिया के हालात जैसे ख़राब हो गए, तो यहाँ पे हमें इंडिया जो है वो टमाटर देता है, ठीक है। अगर इंडिया उस कंडीशन की वजह से टमाटर देना बंद कर दे तो जो हमारे पास सप्लाई बची हुई होगी टमाटर की, अब जैसे सप्लाई टमाटर की बहुत कम है और 100 रुपये का रेट था, तो जब सप्लाई आना बंद हो जाएगी और लोगों को डिमांड ज़्यादा है क्योंकि सालन पकाना होता है, घरों के काम सामान सारे टमाटर से ही बनते हैं, तो क्या होगा उसकी जब सप्लाई कम हो जाएगी ना डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो प्राइस उसकी बढ़ जाएगी, जैसे 100 की बजाय 200 हो जाएगी। जैसे जैसे सप्लाई कम होती जाएगी उतनी ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी तो उसकी प्राइस उतना ज़्यादा ग्रो अप करेगी, ठीक है। जैसे अगर अब आखिरी 100 टमाटर दुनिया में रह गए तो उसकी डिमांड आपको पता है क्या होगी, गोल्ड एक नेचुरल, ठीक है, एक नेचुरल यहाँ पे आपके पास चीज है, एक नेचुरल स्पीशियस एक आपके पास जो है एलिमेंट है आपके पास अगर आप कहेंगे तो, उस गोल्ड की जो सप्लाई है वो कुदरत ने जो है वो लिमिटेड रखी हुई है, ठीक है। और उसकी अगर आप वेल्थ अगर आप देखेंगे तो उसकी सप्लाई जैसे जैसे मिलती जा रही है, सप्लाई लिमिटेड होती जा रही है, उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। गोल्ड का अगर आप चार्ट खोलेंगे तो वो कंटिन्यूसली अपवर्ड की तरफ जा रही है, क्यों, क्योंकि उसकी सप्लाई लिमिटेड है, कम सप्लाई और डिमांड उसके साथ है। सेम बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो सिर्फ 18 मिलियन है, और हाविंग के अंदर पता है क्या होता है, हाविंग होता है माइनर्स का इवेंट। माइनर्स पता है कौन, जैसे गोल्ड की खुदाई होती है और गोल्ड मिलता है ना, इस तरीके से माइनिंग करके माइनर्स को बिटकॉइन मिलता है, और माइनिंग करने का एक रेशो होता है। जैसे पहली हाविंग जब हुई ना, अब ये समझो, देखो सुनो गौर से, जब पहली हाविंग हुई ना 2012 के अंदर, जब माइनर्स को एक साल के अंदर अगर 100 बिटकॉइन मिलते थे ना, तो वही हाविंग के बाद अब वो आधे मिलेंगे, सिर्फ 50 मिलेंगे। क्या हुआ, सप्लाई जो है वो उसकी अब कम मिल रही है, और सप्लाई जो है वो हैवी लिमिटेड 18 मिलियन, तो डिमांड इसकी बढ़ने लगी। फिर 2016 के अंदर जो 50 हाविंग करने पे, हाविंग के बाद 50 बिटकॉइन के बाद अब उनको 25 मिल रहे हैं और आधे हो गए, तो और भरे सप्लाई तो और कम हो गई यार, 100 के बजाय 50, फिर 50 से 25, तो मतलब डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई तो प्राइस और ज़्यादा बढ़ गई। फिर हाविंग हुई, अब 25 के बजाय मिल रहे हैं 12.5, तो 12.5 मिल रहे हैं, तो सप्लाई बहुत कम डिमांड ज़्यादा। अब क्या है, अब तो क्रिप्टो के अंदर बड़ी बड़ी यहाँ पे आपके पास जो है वो एक्सचेंजेस, बड़े बड़ी फर्म्स इन हो चुकी हैं, वलकरी ब्लैक रॉक जैसी दुनिया की बड़ी बड़ी स्टेट्स इन हो चुकी हैं, सल्वाडोर ब्राज़ील, बड़े बड़ी नेशंस अब बिटकॉइन के अंदर जो है वो आ रही है, लोगों को क्रिप्टो करेंसी एज अ ग्लोबल पेमेंट लोगों ने एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब हाविंग होगी तो 12.5 से सप्लाई जो है वो कम होकर जो माइनर्स को मिलती थी वो तो 6 पर आ जाएगी, 6 या 7 पर, तो जब वो और भी ज़्यादा कम हो जाएगी और इस बार तो डिमांड भी बहुत ज़्यादा, जस्ट इमेजिन व्हाट्स गोना हैपन विद द बिटकॉइन प्राइस। आप समझ रहे हैं मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, तो ये पूरा फंडा है, इससे पहले ये आपको पैनिक करेंगे, डराएंगे, आपकी ऐसी की तैसी कर देंगे, तो आप यहाँ पे बाइंग नहीं कर सकोगे। देखो ये एक यूनिवर्सल रियलिटी है ऑफ द सारी फाइनेंशियल मार्केट्स की, कि हर फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर एक पीक पीरियड आता है और एक पैनिक पीरियड आता है। अब पैनिक पीरियड के अंदर जो लोग सर्वाइव कर लेते हैं वो मार्केट के अंदर एक्चुअली में वेल्थ बनाते हैं। अगर मैं आपको एक सिनेरियो बताऊं तो इस मार्केट के अंदर, बेयर मार्केट के अंदर, जैसे गिरी हुई मार्केट के अंदर अगर 5% लोग पैसा बनाते हैं और 95% लोग पैसा गंवाते हैं, तो जब बुल मार्केट आती है, मार्केट का अच्छा पीरियड आता है, तो सिर्फ
20% लोग पैसा बनाते हैं, 80% लोग पैसा गवाते हैं, क्योंकि लोग पैनिक में रहते हैं। अगर इतना ही आसान होता तो लोग बॉटम पे बाय करते, टॉप पे सेल करते, लेकिन इसके बीच में जो सिनेरियोज आते हैं ना कि बाइनेंस भाग जाएगी, लूना क्रैश हो जाएगा, बिटकॉइन 20,000 पर आ जाएगा, वो सिनेरियोज एक आम रिटेलर को ना बॉटम पे बाय करने देते ना टॉप पर सेल करने देते हैं। तो ये सिनेरियो एंड आई थिंक आपको इस मेरी वीडियो के बाद काफी ज्यादा चीजें किन को मिलेगी होगी। अब यहाँ पे लोग कहेंगे कि मुझे भाई हम बाय यहाँ पे क्या करें, आप ये तो बताएं हम यहाँ पे खरीदारी क्या करें। तो खरीदारी क्या करनी है, आप मेरे चैनल पे जाएं, आपको वीडियो मिल जाएगी कन्वर्ट $100 टू $1,000। वो मेरी प्रॉपर एक वीडियो बनाइए, वो वीडियो आप देखिए मेरे चैनल पे, शायद आई थिंक चौथी पांचवी वीडियो, उसमें मैंने समझाया। अच्छा एक और चीज़ आपको बता दूं, देखिए बुल मार्केट आपके पास अब करीब है, हाविंग करीब है, चीज़ आपके पास अच्छी जाने वाली है। और मैंने आपको बताया कि 20% सक्सेस रेशो होता है जो लोग यहाँ पे पैसा बनाते हैं। तो यहाँ पे कौन लोग बनाते हैं, जो कि मार्केट के अंदर सीखे हुए होते हैं। अभी आपकी पप्पो का बेटा भी आ जाएगा और वो आपको बोलेगा यार मुझे भी क्रिप्टो सीखनी है। आपका कोई दूर दराज का कजन आ जाएगा, वो भी आके बोलेगा यार मैं भी क्रिप्टो में आ रहा हूँ, मैं तो $100 लेकर आ रहा हूँ क्रिप्टो के अंदर, मार्केट पंप हो रही है, मेरे दोस्त ने इतने पैसे बनाए तो मैं भी अपनाऊंगा। अब हर नया बंदा क्रिप्टो के अंदर इन होगा, ठीक है, ये समझकर किसके अंदर, तो भाई अंधा पैसा बनता है, लेकिन वो सारे के सारे जो है वो लपेटे जाएंगे, ठीक है। और अगर आप उनमें से नहीं आना चाहते, अगर आप सीखकर इसको प्रॉपर करना चाहते हैं, सो यू गाइस कैन जॉइन अवर कैप ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि करंटली $100 हम इसके चार्ज करें। लेकिन मैंने एक ऑफर दी थी कि जो अर्लियर 50 मेंबर्स कॉन्टैक्ट करेंगे उनके लिए 50% ऑफ है, लेकिन वो फॉरन से स्लॉट्स बिक गई। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी इस वीडियो के बाद जो 20 लोग अर्लियर 20 मेंबर्स मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे उनको ये कोर्स हम $49 में देंगे। और इस कोर्स में क्या, बिगिनर टू एडवांस लेकर अगर आपको कुछ नहीं आता आपको प्रॉपर सिखाया जाएगा जूम सेशन के ऊपर लाइव आके। दिन में दो सेशन हुआ करेंगे, दिन का ट्रेंड नहीं कर सकते रात का करो, रात का नहीं कर सकते दिन का करो, और दोनों नहीं कर सकते मसरूफियात की वजह से, तो आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएगी। एक मंथ के अंदर आपको प्रॉपर सिखा दिया जाएगा असाइनमेंट्स के साथ, और साथ साथ आपको जो है वो कैप हमारी टीम के अंदर जॉब करने की भी अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलेगी। और जो लोग अर्लियर 20 मेंबर्स होंगे उनके लिए $50 में अवेलेबल है, और उनको 50% डिस्काउंट के साथ 3 मंथ्स का प्रीमियम ग्रुप का एक्सेस भी मिलेगा, जहां पे हम आपको सिग्नल्स देते हैं कि क्या बाय करना है क्या सेल, और हमारी एक्यूरेसी वहां पे 95% से अबव है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी आप कांटेक्ट करें, या आपके पास नंबर लिखा हुआ 03022883956, ये व्हाट्सएप का नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, इस पर आप कांटेक्ट करें। सिर्फ और सिर्फ ओनली अर्लियर 20 मेंबर्स के लिए जो डिस्काउंट है ये अवेलेबल है, तो आप लोग जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी आई होप आपको चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो समझ में आ गई होंगी। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।